मैनेजमेंट के ऊपर बताया कि एक मैनेजमेंट को भी आपको चेक करना चाहिए। कोई भी कंपनी का अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो उसका मैनेजमेंट भी देखना चाहिए। कोई भी स्टॉक आप खरीद रहे हो, एनी स्टॉक, जो भी आप स्टॉक खरीद रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक खरीद रहे हो, वो उसके मैनेजमेंट को भी आप चेक करो कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। सब बहुत बड़ा चीज है ये, जो लोग बाग इग्नोर कर देते हैं, बहुत बड़ी चीज है। तो इसी के ऊपर इसका जो प्राइस है, इसका जिसको आपने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है, इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझनी है। मैनेजमेंट, इसको मैंने आपको बताया दो तरीके के मैनेजमेंट होते हैं, एक गुड और एक पुअर। गुड, अच्छा मैनेजमेंट, जिसकी देने की नियत हो, अरे ले जाओ। माने किसी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करा और उसके मैनेजमेंट की नियत ही साफ खराब है, वो देना ही नहीं चाहता, लूटना ही लूटना चाहता है, तो स्टॉक क्या होगा? फाल, गिरता ही चला जाएगा स्टॉक। ऊपर के रेट पे आपने लिया है, हर चीज आपने देख के ली है, स्टॉक की वैल्यूएशन आपने देख के चेक करके ली है कि भाई उसकी पी वगैरह ठीक है, उसकी बुक वैल्यू ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी साहब स्टॉक क्या हो रहा है? गिर रहा है। ग्रोथ स्टोरी उसमें है, जो सारी चीज मैं आपको पढ़ाता रहता हूं समय समय पर, फिर भी स्टॉक डाउनफॉल। क्यों? क्योंकि ये साहब बैठे हुए हैं मैनेजमेंट, इन्होंने कुछ देना ही नहीं सीखा। तो मैनेजमेंट पे पूरा फोकस करो। और कोई कोई मैनेजमेंट तो दोस्तों इतना अच्छा होता है ना, ले जाओ दबा के ले जाओ साहब, कुछ भी, कोई भी स्टॉक खरीद लो आप। जैसे विप्रो का मैनेजमेंट देखिए साहब, क्या कहने साहब, स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, कब से देता आ रहा है। कहीं कहीं के तो जो विप्रो के अगर स्टॉक बहुत पहले है, कहीं कहीं गुना हो गए साहब स्प्लिट बोनस के कारण। डिविडेंड अलग है, शेयर प्राइस अलग बढ़ रहा है, उसका तो बेनिफिट अलग है ही, इसके साथ साथ स्प्लिट बोनस, मान लिया अगर 100 शेयर है, 100 के फिर 200 हो गए, 200 के फिर 400 हो गए, 400 के फिर 800 हो गए, इस तरह आपका स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ती गई। क्योंकि जो विप्रो का मैनेजमेंट है वो गया है शानदार, जानदार, देने की नियत, ले जाओ। कंपनी कमा रही है तो बांट भी तो रही है, कंपनी कमा रही है बांट भी रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कमा भी खूब रहे हैं लेकिन नहीं साहब देना ही नहीं है, देना ही नहीं है साहब, और वो उस कैटेगरी में आते हैं पुअर, पुअर मैनेजमेंट। तो इस पे मैनेजमेंट पे फोकस करा करो। अब आप कहोगे सर मैनेजमेंट हम चेक कैसे करें, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि मैनेजमेंट चेक कैसे करें। तो मैनेजमेंट चेक करने के लिए क्या, ये तीन चीजें तो है। मैनेजमेंट चेक करो कंपनी की हिस्ट्री, देखो कि हिस्ट्री कंपनी की क्या है, कंपनी की हिस्ट्री वो ये सारी चीज बता देगी कि कंपनी स्प्लिट कर रही है, बोनस दे रही है, डिविडेंड दे रही है, नहीं दे रही है अपने डेट को, डेट, डेट माने कर्जा, कम कर रही है नहीं कर रही है, सब हिस्ट्री पर पता चल जाएगा। हिस्ट्री बता देगी कि आपकी ये मैनेजमेंट कैसा है। फोकस करो इस पे यार, ये मैनेजमेंट है ना, यही साफ खिलाड़ी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, प्रमोटर की होल्डिंग देख लो, एफआईआई का देख लो, प्रमोटर की होल्डिंग देखो, स्पेशली मैनेजमेंट को चेक करो ना, प्रमोटर की होल्डिंग देखो, एफआईआई, डीआईआई और रिटेलर पब्लिक तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये खड़ा रहेगा अपनी जगह, ये कम कर रहा है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, इस चीज को आपको चेक करना। तो मैनेजमेंट पे फोकस करो, पूरा फोकस मैनेजमेंट पे करो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं, लेकिन उसमें एक कड़ी हमारी मैनेजमेंट की भी है।